दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्शी कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज 3 मार्च 2024 कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दिन शनिवार, अनुराधा नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:10 से 12:57 तक, और राहुकाल 4:55 से 6:22 तक, और ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों 5:06 से 6:57 तक। गोधूलि मुहूर्त भी आज, गोधूलि मुहूर्त का भी संयोग बन रहा था 6:19 से 6:44 तक, और विजय मुहूर्त दोस्तों 2:29 से 3:16। सूर्योदय 6:50 से सूर्यास्त 6:27 तक। अमृतकाल दोस्तों 4:49 से 6:40। इस प्रकार दोस्तों आज के सूक्ष्म दिन का जो है सूक्ष्म पंचांग का क्रम इस प्रकार से है। आज रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना आज की जाती है, और आज का दिन दोस्तों सूर्य ग्रह को समर्पित है। रविवार का व्रत रखने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की शारीरिक पीड़ाएं, कष्ट, दुख, दारिद्र से हमें मुक्ति मिलती है और असीम सुखों की प्राप्ति का द्योतक होता है। जो जो भी साधक रविवार का व्रत करते हैं उनको सात्विक भोजन का सेवन करते हुए नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रविवार के व्रत को विधि विधान से करने से अनेक प्रकार के मंगल कामनाओं की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सूर्य ग्रह सभी ग्रहों का राजा माना जाता है, और ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार का विधान है कि सूर्य देव को अर्घ देने से जीवन में चमत्कार उत्पन्न होता है और हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। सूर्य देव को तांबे के लोटे से और जल अर्पित करना चाहिए, और उसमें लाल पुष्प, रोली, चंदन और अनेक प्रकार के सूर्यदेव को लाल वस्त्र का से उनकी पूजा और उपासना करनी चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव की पूजा व्रत बहुत ही महत्व हमारे जीवन के अंतर्गत होता है, और सूर्यदेव के साक्षात दर्शन हम जब सूर्य उदय होते हैं उस समय जब हम सूर्यदेव का की किरणें हमारे जीवन हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की जो FIR रेज है वो हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देता है, वो हमारे जीवन के लिए अनेक प्रकार के विटामिनों जैसे विटामिन डी की पूर्ति करती है। दोस्तों, हमारे पौराणिक विधानों के अनुसार सूर्यदेव की उपासना करना बहुत ही मान्यता और शुभ कार्य माना जाता है, और रविवार का व्रत विधि विधान से करने से यथोचित मंगल कामनाओं की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों हमें इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, और अनेक प्रकार से रोली और सफ़ेद लाल पुष्पों का सूर्यदेव को आदित्य हृदय शोतमंत्र का पाठ करके आदित्य शोतमंत्र का पाठ करना चाहिए, और सूर्यदेव के ओम सूर्यायी नमः का जाप करके अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। दोस्तों, सूर्यदेव हमारे जीवन में ज्योति और सफलता के मानक हैं और उसके प्रतीक हैं। हमारे जीवन में सम्मान है, यश की प्राप्ति हमें होती है, और लगभग दोस्तों 12 रविवार को व्रत रखने से हमारे जीवन में स्वतः ही चमत्कार के भाव सृजित होते हैं, और रविवार को आभूषण है, औषधि है, और हथियार है, और अनाज है, अनेक प्रकार के प्रशासन संबंधी कार्य करने से, और गाय है, बैल है, सोना चांदी, तांबे की खरीद बिक्री, और कार जो भी हमारी यात्रा के साधन है उनको खरीदने से शुभ कार्य माना जाता है, और रविवार के दिन भगवान राम की प्रार्थना करने का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी सूर्यदेव की
हमेशा आराधना करते थे सूर्य को। जब उन्होंने मानव रूप में अवतरित हुए, अनेक प्रकार से उन्होंने भगवान सूर्यदेव की आराधना की, उनको जल अर्पित किया, अनेक प्रकार के वृत्तांत इस प्रकार से रामचरितमानस में विद्यमान है। रविवार के दिन ओम वासुदेवाय नमः का जाप करना 108 बार लगभग जाप करना करने से भी दोस्तों हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। ओम ह्रीं सं सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस प्रकार का जाप 108 का ओम ह्रां ह्रीं हूँ सह सूर्याय नमः, ओम ह्रां ह्रीं हूँ सह सूर्याय नमः का जाप 108 बार करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती हैं और हमारा जीवन असीम कृपा को प्राप्त करता है। और रविवार को दोस्तों खास तौर से पश्चिम दिशा शूल माना जाता है, पश्चिम दिशा में यात्रा करना वर्जित माना गया है, और जो कि रविवार का व्रत से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभकारी और जीवन की सफलता का द्योतक माना जाता है। गण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की असीम कृपा से हनुमान जी को जहाँ लंका में वह प्रवेश करते हैं सुंदरकांड के पाठ के दौरान, जब वह हनुमान जी जो है लंका में प्रवेश करते हैं तो उनको लंकनी नामक राक्षसी मिलती है जो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की परम भक्त थी। जब उनको पता चलता है कि हनुमान उनके दूध हैं तब उन्होंने उनको रास्ता दिखाया, तब वह हनुमान जी ने अपने प्रताप से उसको एक प्रभाव को जाना और वह समझ गई कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार वह आराधना करती थी तो उनके साक्षात दर्शन हुए उनको भी। उसके बाद हनुमान जी जो है आगे प्रवेश करते हुए अंतोगत्ता वह विभीषण के संपर्क में गए और अनेक प्रकार के लंका का उन्होंने निरीक्षण किया। चारों तरफ जो है राक्षसों की माया थी और कोई विचित्र प्रकार के कार्यों में सब लगे हुए थे और चारों तरफ उन्होंने जब वहाँ का दृश्य देखा तब उन्होंने एक छोटी सी कुटिया में राम नाम अंकित नाम का एक घर देखा जिसमें विभीषण जी अपना निवास करते थे और वह बचपन से ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की का स्मरण करते थे, उनकी उपासना करते थे, उनके ध्यान में मग्न रहते थे। अब हनुमान जी का उनसे संवाद होता है, अनेक प्रकार से आपस में विचार विमर्श होता है। तब वे आपस में जब मिलते हैं तो विभीषण जी कहते हैं कि यहाँ पर मैं उसी प्रकार रहता हूँ जिस प्रकार 32 धातुओं के बीच में बिचारी जीव, तो मेरी दशा यहाँ पर इस प्रकार है क्योंकि चारों ओर दांत जो है राक्षसी माया के प्रतीक हैं और जीव जो है वह राम भक्ति भक्ति के रस में रसी हुई जीव को इस प्रकार से यहाँ पर रहना पड़ता है और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का रात दिन स्मरण करता रहता हूँ। तब हनुमान जी से उनका परिचय होता है, तब उनको पता चलता है कि आज मुझे भगवान रामचंद्र के साक्षात दर्शन हो गए, प्रभु की कृपा मेरे पर कब होगी और इस प्रकार के वृत्तांत वह हनुमान जी से कहते हैं। तो तब वह कहते हैं हे सखा सुनिए मैं ऐसा अधम हूँ पर श्री रामचंद्र जी तो मुझ पर भी इस कभी कृपा करेंगे, कभी उनकी दया होगी और भगवान ने ये गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के इस प्रकार जब विभीषण ने इस लंका में भी और राक्षसी माया में भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम लेने वाला उनकी भक्ति का नाम उनके भक्ति रस में इस प्रकार से जब विभीषण का जीवन चरित्र उन्होंने देखा तो उनके आँखों में उनके चक्षुओं में जल भर आया और वह बहुत ही भावुक हो गई। आगे का कल का प्रसंग दोस्तों इस प्रकार से था और आज के प्रसंग में जन्म हूँ। तब कहते हैं दोस्तों जानत हूँ अस स्वामी विसारी फिर ही कि ताहिन काहि दुखाय, तब वह कहते हैं जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे अनेक प्रकार की माया वो जाल बंधनों में बंधे हुए रहते हैं अगर और वह इधर उधर भटकते रहते हैं जिन पर जो जिनकी कृपा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का है वह भ्रमित होकर के इधर उधर घूमते रहते हैं तो इस प्रकार वह अपने मन में कस्तूरी कुंडल कुछ बसे मृग ढूंढे बनमाए ऐसे ही घटघट माए हैं
दुनिया देखी है मैंने, इस प्रकार की रचना वो करते हैं। जो जानते हुए भी जान रत हूँ और स्वामी विसारी फिर काय न हुई दुखारी, इस प्रकार से लोग भ्रमित होकर के इस प्रकार से दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जबकि परमात्मा उनके परमात्मा स्वामी रघुनाथ जी को भुला कर वो अनेक विषय भोगों में लगे हुए हैं। यही विधि कहत राम गुण रामा, और वे दुखी क्यों न हूँ, इस प्रकार श्री राम सिंह के गुरु समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। तब हनुमान जी और विभीषण जी ने अनेक प्रकार से शांति का आभास किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की लीला, और जब वह मानव रूप में अवतरित हुए उनकी परम कृपा से मानव जीवन का कल्याण होता है, हम अनेक प्रकार के भवबंधों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुथा तह रही, तब हनुमंत कहा सुर भाता, देखी जहूँ जानता। तब विभीषण जी ने अनेक प्रकार के पुण्य सब कथा विभीषण कही। विभीषण जी ने हनुमान जी से जानकी जी के जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थीं, जानकी जी को जिस प्रकार से रावण हर के ले गया और जिस प्रकार से वह लंका में रह रही हैं, उसका पूरा वृतांत उनको बताया और सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा कि हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा मैं अपने चक्षुओं से, अपने नेत्रों से अपनी माँ जानकी माता को देखना चाहता हूँ, वो कहाँ पर हैं। तब विभीषण ने विभीषण के द्वारा ही उनको उनका पता चलता है। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुर विदा कराई। तब विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ जो उपाय थे, जैसे वह माता के पास पहुँच सकते थे, क्योंकि वहाँ पर भी राक्षसी माया पहले में जानकी जी के साथ रावण ने लगाई हुई थी, तो उन्होंने पूरा वृतांत उनको सुनाया। चले वो पवन सुर विदा कराई, और तब हनुमान जी विदा लेकर वहाँ से चले, विभीषण जी से के पास से चले। करी सोई रूप गयों पुनित हुआ, तब वह वही पहले का मशक शरीर का यानी छोटा सा रूप धारण करके, यानी का समान यानी मच्छर के समान का रूप यानी मक्खी के समान रूप का रूप धर करके वहाँ गए, और जहाँ करी सोई रूप गयों को नीता हुआ वन अशोक सीता रह जहाँ, जहाँ अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी वहाँ पर हनुमान जी ने अपना प्रवेश किया और सूक्ष्म रूप लेकर के वहाँ पर गए। विभीषण जी ने पूरा वृतांत उनको बताया कि माता जानकी कहाँ पर हैं, और देह मन ही मन कीन प्रणाम। तब हनुमान जी ने मन वचन और कर्म से अंतरात्मा से सीता जी को देखकर हनुमान जी उन्हें मन ही मन प्रणाम किया, वंदना की, और अपने अंतर आत्मा में उनके दर्शन किए। बैठे भी इंतजार जी नाशा, और उन्हें बैठे रात के चारों पहर बीत गई। तब वह वहाँ पर पूरा वृतांत वहाँ से देख रहे हैं, सीता जी का स्वरूप देख रहे हैं, सीता जी किस प्रकार का कर रहे हैं, और छोटे रूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी को परिपरी शक्ति दी थी, उसी शक्ति के अनुसार में अपना छोटा सा रूप कर पूरी लंका का चित्रण किया। तब रात्रि के चार पहर जब बीत गए तब तक वह उनको देखते रहे। कृष्णनु शीश जटा जब अगवेनी, शरीर दुबला हो गया है। तब वह सीता जी को देखते हैं, उनका शरीर बहुत ही दुबला हो गया है। जपति हृदय रघुपति कुंडिनी, और सिर पर जटाओं की एक बेणी लट है, और हृदय में रघुनाथ जी का गुण समूह का जय स्मरण करती रात दिन जो है वह वहाँ पर देखती हैं। पूरी रात उन्होंने वहाँ पर पहरा दे करके अपना छोटा स्वरूप रख करके सीता जी के सम्मुख देखा, और रात दिन वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी का स्मरण करती रहती। मन वचन और कर्म से दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस प्रकार का मानवीय अवतार लेकर के उन्होंने पूरे संसार को इस प्रकार का दिव्य रचना करके अनेक प्रकार के इतिहास बना करके रामचरित मानस को तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से लिखा, उसका पूरा वृतांत सुंदर कांड में बहुत ही रमणीय और सुंदर वृतांत है। सीता जी के स्वरूप का, हनुमान जी के स्वरूप का, विभीषण जी के स्वरूप का, और लंका के स्वरूप का पूरा वृतांत इसमें विद्यमान है। निज पद नयन दी मनो राम पद कमल दी, तब जानकी जी को नेत्रों में अपने चरणों में लगाए हुए हैं, और राम पद कमल लीन, और नीचे की ओर देख रही हैं, चारों ओर देख रही हैं। परम दुखी भाव पवन सुतो देख जानकी दीन, तब मन
और मन श्री राम जी के चरणों में उनका लीन है, तल्लीन है, रात दिन भक्ति में लीन है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी की अपार कृपा है। जानकी जी को दीन इस प्रकार से दुखी देखकर, व्यथित देखकर, आतुर देखकर के देखकर पवन सुत हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए, संतप्त हुए। अनेक प्रकार से उन्होंने सोच किया कि ऐसी परिस्थितियों में सीता जी अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद है, उन्हीं की रचना है। मर्यादा की रचना करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अनेक प्रकार के मानवीय चित्रण करके इस प्रकार के भावों को लोगों में संचित करने का, ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए उसका उन भावों की प्रेरणा हमारे जीवन में हमेशा के लिए विद्यमान की। तव पल्लव तहं रहा लुकाई, करी विचार करूँगा भाई। तब हनुमान जी वहाँ देखते हैं, तब वह कहते हैं कि हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे, अपना छोटा सा रूप धारण करके, और सीता जी का पूरा जीवन वह देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर रह रहे हैं। और तब हनुमान जी ने वृक्ष के छोटे पत्तों में छिपे रहे और करें विचार करूँगा भाई। तब विचार करने लगी कि हे भाई, मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ और क्या करूँ, इसका दुख इस प्रकार के दुख को असहनीय जो दुख सीता जी को है, इसको मैं कैसे हर सकता हूँ, कैसे दूर कर सकता हूँ। तेई अवसर रावण तहावा। अब उसी समय रावण जो है रात दिन दरुद्रा विचरण करता था, तब जानकी जी को भय दिखाने के लिए रावण वहाँ पर स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहाँ पर विराजमान हुआ और अनेक प्रकार के छल कपट करके वह सीता जी को डराता धमकाता था। तब हनुमान जी ने अपने छोटे स्वरूप से रावण के पूरे वृत्तांत को देखा। तुलसीदास जी ने दोस्तों इस प्रकार का चित्रण, जब सीता हरण हो जाता है, सीता जी का हरण होता है, रावण को ले जाता है, केवल अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए रावण ने इस प्रकार की रचना, इस प्रकार के भाव रचे। बहुविधि खलसी तई समझावा। तब उसने उस दुष्ट ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझाया, समझाने का प्रयास किया। साम दाम कर भेद बनावा, और साम दाम भय भेद दिखलाता रहता था, वहाँ पर आता था, सज धज कर आता था, सीता जी को के मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करता था। कह रावण सुन सुमुख सयानी। तब रावण कहता है कि हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली, हे सुंदर नेत्र वाली, हे सुंदर सयानी और सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियाँ जो भी रानियाँ हैं उनकी आप प्रमुख कहलाएंगी। तब अनुचरी करहूँ कनमोरा, मैं तुम्हारी दासी बना दूँगा। यानी मंदोदरी जो भी यहाँ पर की जो रानियाँ हैं उन सबको मैं, अगर आप मेरा कहना मानोगी तो मैं आपको जो है अपना इन सब का दासी बना दूंगा। एक बार बिलोक मोरा, वह कहते हैं, तब रावण कहता है कि यह मेरा प्रण है कि मैं सभी को तुम्हारा आपकी दासी बना लूंगा, तुम एक बार मेरी ओर देखो। तो सीता जी सत्य संकल्प वाली थी, राम भक्ति में लीन थी, अपने स्वरूप को संस्कारों से परिपक्व थी, किसी प्रकार से भी वह रावण की तरफ नहीं देखती हैं। और वह एक प्रकार का पर्दा अपनी आँखों में लगा देती थी, ऐसी प्रकार की तृण धरित ओट कहत वैदेही। तब अपनी परम स्नेही कौशलाधीश रामचंद्र जी का स्मरण करती हैं, जब रावण इस प्रकार से उनको बोलता था, इस प्रकार के भावों को बोलता था, तब वह जो है अपने परम स्नेही कौशलाधीश हो मर्यादा पुरुषोत्तम शिरोमणि रघुकुल की शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी उनका स्मरण करती थी और जानकी टिनकी की आड़ में पर्दा करके रहने लगी। इस प्रकार का जब भी रावण उनको इस प्रकार का प्रताड़ना करता था तो वह अपनी ओट लगा करके उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं निहारती थी, उससे बचती थी, उसकी बातों को नहीं सुनती थी। अनेक प्रकार से रावण ने उनको उनकी प्रताड़ना के लिए अनेक प्रकार के भाव रचे। सुन दशमुख का द्योत प्रकाश। तब सीता जी को गुस्सा आ जाता है, क्रोध हो जाता है, राम भक्ति में लीन है और इस प्रकार से छल कपट करके वह जानकी जी को अशोक वाटिका तक ले आया। तब वह कहती हैं, सुन दशमुख खद्योत प्रकाशा, हे दशमुख वाले रावण, सुन, जुगनू के प्रकाश के लिए कभी कमी नहीं खिल सकती हैं। यानी कब हूँ कि नलिन करें निकाशा, यानी जब जुगनू के प्रकाश में कभी कमल नहीं खिल सकता, यानी तुम जुगनू के समान हो और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कमल के समान हैं। तो
तो उनके प्रभाव के आगे तुम्हारा प्रभाव अस्तित्वहीन हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। और असमन समुझ कहत जानकी, जानकी जी फिर कहती हैं तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। और खल सुधि नहीं रघुबीर बाण की, और दुष्ट तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। अभी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जो बाण है, उस बाण की कितनी शक्ति है, उसका कितना प्रभाव है, उसके प्रभाव उसके नज़दीक जब तुम आओगे तब तुम्हें अपने अस्तित्व का ध्यान रहेगा, तब तुम्हारा क्या हाल होगा उसके बारे में तुमको गंभीरता से सोच। सट सुने हरि आन हिमोही, हे पापी, तब वो कहते हैं ये दुष्ट हे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया। यानी जब एकांत वातावरण था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हिरण के पीछे, हिरण के सौंदर्य को देख करके रावण ने मारीच को इस प्रकार से छल कपट करके मारीच को सोने का मृग बना करके उनके रामचंद्र के और सीता जी के रामचंद्र के आश्रम में आया, तब सीता जी का मोह उस मृग पर हुआ, तब रामचंद्र को उन्होंने बोला कि इस मृग को मुझे चाहिए, और उन्होंने अपेक्षा जाहिर की, तब रामचंद्र जी उस हिरण के पास भागे, तब उस हिरण ने मायावी छल के कारण, राक्षसी छल के कारण उसने हराम हराम करके मारी ने उसको, यही रावण ने कहा था किंतु यह कहना पड़ेगा, तब वो हराम हराम करते हुए कहा, तब लक्ष्मण ने चारों तरफ रेखा खींची, और उसी रेखा को खींचने के बाद लक्ष्मण रेखा जिसको कहा जाता है, उस रेखा के बाहर सीता जी को मना किया था आने के, लेकिन उसने रावण उसी समय साधु का भेष बना करके, और उसने कहा कि मैं बंद भिक्षा नहीं लेता हूँ, और जब तक आप इस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आओगी तब तक मैं भिक्षा नहीं हुआ। एकाएक स्त्री का स्वभाव था, उसके बातों में आ गई, और मर्यादा की इस प्रकार की रचना थी, विधि की रचना के अनुसार सीता जी ने अपने स्नेह और भक्ति में भक्ति रस में होने के कारण, और एक भिक्षुक को भिक्षा देना कर्तव्य है, तब उन्होंने लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर उनको ऐसे में ही सीता जी को उन्होंने स्पर्श करके अपने रथ में बैठा करके लंका की तरफ ले जा करके अशोक वाटिका में सीता जी को रखा। तो इसी प्रकार वह कहते हैं कि सीता, तब वह कहते हैं तब वह कहते हैं सठ सुनी हरि आन ही मोही, अधम नीलज लाल नहीं जोही, हे पापी तू मुझे सुने में हर लाया। ऐसे सुनसान वातावरण में जब लक्ष्मण जी भी वहाँ पर रामचंद्र जी नहीं थे, उनकी वहाँ पर सुनसान वातावरण होने से तुम मेरे को वहाँ से हर लाया, तुम्हें तू अधम है, तेरे पास कोई शक्ति नहीं है, निर्लज्ज है, तेरे का कोई लज्जा नहीं है, और तुझे लज्जा नहीं आती है, ऐसी इस प्रकार की बातों करने पर, तब इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सीता जी पर था, तब उन्होंने अनेक प्रकार से प्रकार के भावों को करके, प्रकार के विचारों को करके रावण के ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश की, और उसको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश को जागृत करने की कोशिश की। आप उन्हें सुनने का ज्योत समाओ राम ही भान समाओ, तब वो कहते हैं कि अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र को सूर्य के समान सुनकर, और इस प्रकार से जब सीता जी ने उनको कहा कि तुम जो है एक जुगनू के समान हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सूर्य के अवतार हैं, और उनके ऐसा सुनकर कि पुरुष वचन सुनी काड़ी असी बोला अधिक ज्ञान, तब ऐसी कठोर सीता जी के द्वारा इस प्रकार के वचन को सुन करके रावण तलवार निकाल कर बड़ी गुस्से के साथ आकर बोला, तब वह सीता जी को अनेक प्रकार से प्रताड़ना करने लगा, अनेक प्रकार से उनको क्रोध दिखाने लगा और भय दिखाने लगा, और उसी भय के कारण वो क्या बोलता है, सीता तय में कुतमाना, तब कहता है तो हे सीते तो आप मेरा इस प्रकार से, सीता तू मेरा अपमान, जिस प्रकार से तुमने मेरे को जुगनू के समान बताया, मेरा अपमान कर रहे हो इतनी बड़ी सभा में, मैं 10 शिर और 20 भुजाओं वाला इतना प्रतापी राजा हूँ, और मेरा अपमान, मैं अपना अपमान सहन नहीं कर सकता हूँ। तब वह कहते हैं सीता तय में तय मम कृत अपमान काड़े हूँ, तो सिर कठिन कृपाना, मेरा मैं तेरा ये सिर कठोर कृपाण से काट डालूँगा, इस प्रकार से भयभीत करता है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद है, रावण सीता जी को छू तक नहीं सकता है, और ताहि नशुपति मानु मम बानी, अभी भी जल्दी से बात मान लो, तब वह बार बार सीता जी को
सीता जी का अपमान करके उनको अनेक प्रकार से भय दिखा करके प्रताड़ित करते हुए बार बार कहता है कि अभी भी अगर इतना कहने पर भी आपने मेरा कहना नहीं माना तो हे सुमुखी नहीं जीवन तब तुमको जो है जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, यानी जन्म मरण मैं तेरे तुम्हारा अंत कर दूँगी, इस प्रकार कर दूंगा। इस प्रकार से रावण सीता जी को अनेक प्रकार से भय अशोक पटाजान दिखाने लगा। हनुमान जी अपने सूक्ष्म रूप में पूरा वृतांत देख रहे हैं और इस प्रकार के भय भयभीत वातावरण को देख करके और रावण के द्वारा इस प्रकार को देख करके सीता जी के की प्रताड़ना को देखते हुए हनुमान जी को बहुत ही अंदर ही अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करते हुए अपने पूरा चित्रण देख रहे हैं। श्याम सरोज धाम सम सुंदर सीता जी ने कहा, अब सीता जी ने कहा श्याम सरोज धाम सम सुंदर, यानी हे दशीष प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी और प्रभु भुज करी सम दश गंधर और हाथी की मुख के समान समान पुष्ट और विशाल है। इस प्रकार के उनका शरीर का वृतांत बताते हैं। सो भुज कंठ की तव ऐसी घोड़ा, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, वही भुजाएं मेरे कंठ में पड़ेगी, अन्यथा और तेरी भयानक तलवार का मुझे कोई प्रभाव नहीं होगा। चाहिए तो लाख कोशिश कर मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का परम प्रसाद आशीर्वाद प्राप्त है। और सुन सट अस प्रभाव भगवान पन मोरा और अरे दुष्ट ही मूर्ख सुन यही मेरा सच्चा प्रण है। मेरे अंतर में यही प्रण है कि सीता जी ने कहा कि दस ग्रीव प्रभु की कृपा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है। जिस प्रकार हाथी भयानक होता है उसका दिव्य स्वरूप है, ऐसे स्वरूप को देख करके और कंठ में इस प्रकार की वही भुजा वही हाथ मेरे कंठ मेरे गले में पड़ेंगी, तेरी भयानक तलवार का मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा इस प्रकार की उसकी दुष्टता का मान करके और अपने मन को मन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को सुना चंद्रहास और मम अलितापम, तब कहता है सीता जी कहते हैं कि ही चंद्रहास ही तलवार से भी कहते हैं तलवार चंद्रहास को कहते हैं चंद्रहास और मम अलितापम। यह तब सीता जी विनय करते हैं अनुरोध करते हैं अंदर ही अंदर मन में स्मरण करते हैं ही चंद्रहास ही तलवार तुम अपने स्वरूप को श्री रघुनाथ जी की यानी रघुपति विरह अनल समझाते रघुनाथ जी के विरह की अग्नि के उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन तू हर ली, यानी तलवार से भी कहती है कि तुम्हारी शक्ति जो है क्षीण हो जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस प्रकार का और शीतल निशति भज धारा और वह कहती हैं कि हे तलवार तू शीतल ठंडी हो जा तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है अर्थात तेरी धारा ठंडी हो तेरा तेज खत्म हो और कह सीता हर मम दुख भारा तब मेरी दुख के बोझ को तू हर ले। इस प्रकार से विनय करते हैं अनुरोध करते हैं परमात्मा का नाम लेते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करते हैं कि किसी प्रकार के रावण के प्रताप का मेरे ऊपर कोई असर न हो। इस प्रकार की विनती और अनुरोध करके अपने को अटल रहने का संकल्प लेते हैं। सुनत वचन मुनि पुनिमारन धावा, तब सीता जी के वचन सुनते हैं। इस प्रकार के सीता जी ने जब कठोर वचन से कहे भय दिखाया सीता जी ने भी और पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद था। सीता के वचन सुनते ही वह उनको मारने के लिए दौड़ा, मैं तनया कहीं नीत बुझावा और दौड़ा तब मई दानों की पुत्री मंदोदरी की नीति कहकर उसे तब मंदोदरी ने नीति संगत बातें करके रावण को समझाया, लेकिन रावण क्रोधी था और किसी की बात नहीं मानता था, हठीला था, अपने शौर्य का अपनी भुजाओं का और अपने सिर और भुजाओं का अपार घमंड था और शिव जी की उपासना उसने की थी। उसी के परिणाम स्वरूप तब मंदोदरी ने नीति के अनुसार जो मर्यादा के अनुसार जो बात होती हैं
जो हमारी मर्यादा है उसके अनुसार नीति की बातें कहकर रावण को बहुत समझाया। तब कहे सी सकल निशिचर ही बुलाई, तब रावण ने राक्षसों को बुलाकर, नई प्रकार के राक्षसों को बुलाकर कहा कि सी तही बहु विधि त्रास हो जाई, जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखाओ, इनको आक्रोशित करो, इनको भयभीत करो, अनेक प्रकार के छल कपट करो, इस प्रकार की चीज़ें कह करके। तब मंदोदरी राम भक्त थी, वो भी उन्होंने भी जो है रावण मंदोदरी की विवाद नहीं मानता था, अपने घमंड में चूर था, घमंड में बहुत ही व्याप्त था और घमंड में चूर था, वह किसी की बात नहीं मानता था। इस कारण वह मंदोदरी ने उनको नीति संगत बात सुना करके किसी प्रकार के भी गलत कार्य करने से, कोई भी अवहेलना करने से उनको रोका। तब उन्होंने राक्षसों से कहा कि सभी राक्षस जो हैं सीता को भयभीत करें, मास दिवस मुँह कहा न माना तो मैं मारे कार्य करा। यहाँ तक कि रावण ने यहाँ तक कि सीता जी से कहा गया, यदि महीने भर के अंदर एक माह के तदंतर यदि आपने मेरा कहना नहीं माना तो इसी तलवार से मैं आपको मार डालूँगा। लेकिन सीता जी ने उसी तलवार को की विनती करके, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने का स्मरण करके रावण का किसी प्रकार का भी घात, किसी प्रकार की प्रताड़ना, किसी प्रकार का भय उनको कभी मन से नहीं सता। उनके मन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी विराजमान थे, उनको उनकी शक्ति का प्रताप था। तब दोस्तों आगे क्या होता है, भवन गए दशकंधरों यहाँ पिशाच निमृत। तब यों कहकर रावण अपने घर अपने महल में चला गया। यहाँ पिशाचिन बंद यहाँ राक्षसों का समूह बहुत से बुरे रूप धारण कर सीता जी को अनेक प्रकार से भय दिखलाने लगे। रावण की आज्ञा थी, उन्हीं आज्ञा का पालन करना था, तो अनेक प्रकार के राक्षस जो हैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की रचना का सबसे बड़ा, तुलसीदास ने इस प्रकार की रचना की है, रामचरितमानस की मर्यादा का सबसे बड़ा स्वरूप है दोस्तों तीर्थता नाम राक्षस का। तब सीता जी की सेवा में वहाँ पर उनकी पहरेदारी में तीर्थता नाम की एक राक्षसी थी, जो रामचंद्र की भक्ति में वो भी बहुत ही लीन रहती थी, रात दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का। तब तीर्थता नाम राक्षसी का उसी राक्षसी को राम चरण रति निपुण विवेका, वह जो है वह त्रिजरा नाम की जो राक्षसी थी वह उसकी श्री राम जी की चरणों में अपार प्रीति थी, मन वचन और कर्म से रात दिन की सेवा और उनका नाम लेती रहती थी, सभी बोल भुला ही सपना। तब वह विवेक ज्ञान की निपुण थी, यानी जिस प्रकार विभीषण जी रात दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपनी कुटी में रह के राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करते थे, उनके दर्शन हनुमान जी के द्वारा उनको दर्शन हुए और उन्होंने हनुमान जी को अनेक प्रकार से रास्ता दिखाया और किस प्रकार से वह अपने प्रताप को लंका में कर सकते हैं, और अन्याय रावण के अत्याचार अन्याय से वो भी दुखी थे। तो तब उसने भी अपना सभी बोल सुना सपना, तब वही तीर्थता जो थी वह राम भक्त में लीन थी। तब उन्होंने एक सपना, रात में जब सपना आया तो उन्होंने सभी को बुला करके सपने का ऐसा सब उस सपन को सुनाया, सी तहीं से ही करो, ये अपना ज्ञान में निपुण थी, उसने सब लोगों को बुलाकर अपना स्वप्न सबको सुनाया, विधिवत सुनाया और सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। तब उन्होंने कहा कि कोई भी राक्षस सीता जी को किसी प्रकार से भय न दिखाए, क्योंकि मैंने इतना कठिन स्वप्न दिखाया जो लंका के लिए बहुत ही हानिकारक है, रावण के लिए बहुत ही हानिकारक है, इसलिए सब लोग अपनी रक्षा करने के लिए सीता जी को किसी प्रकार की प्रताड़ना करने से बचें और अपने जीवन की रक्षा करें। सपने बानर लंका जा, तब उसने सपना क्या देखा, स्वप्न में जो है मैंने यह देखा, त्रिजटा नाम की राक्षसी कहती है कि सपने में मुझे ऐसा दिखाई दिया है कि एक बंदर लंका जला दे, एक बंदर आया है उसने पूरी लंका जला दी। स्वप्न के जो दोस्तों कोई स्वप्न इतने साक्षात होते हैं, जो होने वाला होता है उसका इंट्यूशन हमको हो जाता है, उसका एहसास हमको हो जाता है। तब जो त्रिजटा नाम की राक्षसी थी वो उन पर रामचंद्र की अपार कृपा उन पर थी, तो जात उधान सेना सब मारी, और वह एक तरफ से कहती हैं कि सारा देखा कि बंदर लंका, एक बंदर आकर के वह लंका को जला दिया,
इस प्रकार का चित्रण सब हनुमान जी एक वृक्ष में बैठ के छोटे से स्वरूप में देख रहे हैं। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई, उसी बंदर ने उसको मार, उन सब सेनाओं को मार दिया। खर आरूढ़ नाना नगन दशीसा, और रावण नंगा है गधे पर सवार। इस प्रकार का स्वप्न देख रहे हैं, साक्षात नहीं है, स्वप्न है। स्वप्न साक्षात भी हो जाते हैं दोस्तों तब जब त्रिजटा नाम की राक्षसी स्वप्न को सुनाती है, तो उसके सिर पर मुंह और तीनों भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार का स्वप्न जब रावण के विषय में, लंका के विषय में, त्रिजटा नाम की राक्षसी जो सीता जी की सेवा में, सीता जी की रक्षा में और उनकी पहरेदारी में वहाँ पर रहती थी, उसने सीता जी को किसी प्रकार की प्रताड़ना से सब राक्षसों को बसने के भाव व्यक्त की। यही विधि सो दक्षिण दिशा आई, तब वह फिर कहती है लंका मनु विभीषण पाए। तब वह कहती है कि उनका सपना जैसा साक्षात होता है, जैसा बाद में होता है, वही उनको पहले दिखाई दिया क्योंकि राम भक्ति में लीन थी। तब वो कहती है इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा जा रहा है। राक्षस यानी रावण का इस प्रकार का हाल हो रहा है, मानो लंका विभीषण को प्राप्त हो गई। अंततोगत्वा जब रामचंद्र ने रावण पर विजय प्राप्त की थी तो विभीषण को भी लंका का राज्य मिला था, और नगर में श्री राम जी की दुहाई फिरी हुई है। पूरी लंका में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी का चित्रण हो रहा है, उनकी गाथा गाई जा रही है, चारों तरफ उनका प्रताप है, उनका शौर्य है, उनकी आभा फैली हुई है। जब तब प्रभु सीता जी को बुला भेजा, तब प्रभु सीता बोल पठाई, तब प्रभु ने सीता जी को बुला कर भेजा। इस प्रकार से जो है राक्षसी जो त्रिजटा थी, उसने अपने भावों को अपने स्वप्ने के माध्यम से सभी लोगों को सुना करके इस प्रकार का वर्णन किया। यह सपना मैं कहूँ, तब कहती हैं यह इस प्रकार का जो स्वप्न मैंने देखा है, यह मैं निश्चय के साथ कहती हूँ। मैं मन वचन और कर्म से मेरी अंतरात्मा इस बात को कहती है कि वह स्वप्न अवश्य 4-5 दिन में जो है यह सत्य होगा। हो वही सत्य गई दिनचारी, अवश्य 3-4 दिन में यह स्वप्न सत्य होगा, कुछ न कुछ इसका असर होगा। ता शुभ वचन सुनी ते सब डरी, तब ऐसी इस प्रकार की त्रिजटा द्वारा इस प्रकार के स्वप्न की बातों को सुन करके, वहाँ के वचन सुनकर सभी राक्षसियाँ डर गई, भयभीत हो गई, उनको डर लगने का, और जानकी जी के चरणों में तब जानकी जी के चरणों में सब सिर नवाने लगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने लगी। अनेक प्रकार के उनके भाव बदल गए, उनका हृदय परिवर्तन हो गया, उनको भयभीत हो गई। रावण की इस प्रकार की दशा को देख करके, इस प्रकार का स्वप्न देख करके सब भयभीत हो गए। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता बनकर सोच, तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चले गए, इधर उधर यत्र तत्र चले गई। अब उन्होंने जो है इस प्रकार के भय और प्रताड़ना को दिखाने से वह बच गई और अपना अपना रास्ता नाप करके इधर उधर चले गई। सीता मन कर सोच, और सीता जी मन में सोच करती हैं, अपने सोचती हैं, चिंतन करती हैं। मास दिवस बीते मोहि, अगर 1 महीने के आने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा, यानी मोहि मार ही निश्चर बोझ, मास अगर 1 महीने के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मेरी शरण नहीं लेंगे तो ये राक्षस मुझे मार डालेंगे। इस प्रकार का अपने मन में वह सोच रही हैं। त्रिजटासन बोली कर जो, तब ऐसी कुछ समय में इस प्रकार की जब सीता जी बहुत ही भयभीत हो गई, वह भी अपने मन में सोचती हैं, बार बार रामचंद्र का स्मरण करती हैं, तब त्रिजटासन बोली कर जोड़ी, सीता जी को हाथ जोड़ कर त्रिजटा बोली, क्या बोलती है, माँ तू विपत्ति संगिन में मोरी, हे माता तू मेरी विपत्ति की संगिनी। तब सीता जी ने उसी त्रिजटा नाम की राक्षसी जी कहा, तुम मेरी सहेली हो, शुरू से ही मेरी यहाँ पर रक्षा करी हो, और तजूँ देह कर भेग उपाय, जल्दी कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं अपने इसको इस भौतिक शरीर को त्याग करके इस सांसारिक माया मोह के बंधनों से दूर हूँ और दूसरा विरह अवसर नहीं जाए। इस प्रकार के दूसरा विरह को, इस प्रकार की विरह वातावरण को, इस प्रकार के कठिन जीवन को देख करके मैं बहुत ही असहनीय जो मेरे लिए हो गया है,
उससे मैं बहुत ही अपने से सहा नहीं जाता है, अब मेरे असहनीय हो गया है। तब जितरावली आन काट कर चिरावन आए। तब सीता जी कहते हैं कहीं न कहीं से जो है काट है लाकर मेरे लिए चिता बना दो और माँ तो सकल मन भूल गई। तब दोस्तों जब आदमी चारों तरफ से भयभीत हो जाता है, प्रताड़ित हो जाता है और इस प्रकार के वातावरण से रावण के परिताप से उसके उसके भय से दूर होने के लिए सीता जी अग्नि में अपना दाह करना चाहती हैं, क्योंकि उसको वह अपनी मर्यादा की रचना बनी रहे और किसी कोई भी उन पर आघात न पहुंचा सके। आन काट कर तब उन्होंने तीर्था से कहा काठ लाकर चिता बनाकर सजा दी। माँ तो अनल पुण्य देव लगाई। हे माता तब चित्रा से कहते हैं तुम मेरी माता के समान हो, फिर उसमें आग लगा दो और सत्य कही मम प्रीत सयानी। हे सयानी तू मेरी प्रीति की सत्य कर दे, यानी जो मेरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो प्रीति है उसको तुम सत्य में परिवर्तित कर दे। और सुने सो सुवन शूल समवाणी, और रावण की शूल के समान जो दुख देने वाली जो बातें हैं, जो प्रताड़ित करने वाली जो बातें हैं, वाणी कानों में कौन सुने, उनके कानों से कानों को सूखते सूखते मेरे कान पक गए हैं, मैं इस प्रकार की बात नहीं सुनना चाहती हूँ, इससे तो मेरा इस संसार से भौतिक शरीर को त्यागना ही तुम। इस प्रकार से भाव जो है तीव्रता से सीता जी कहती हैं, सुनत वचन पल गई। तब सीता जी के वचन सुनकर सीता ने चरण पकड़ कर उनकी चरण पकड़े और प्रभु को ता बल सुलभ, उन्हें पकड़ कर उन्हें समझाया विधि विधान के साथ, नीति के अनुसार, मर्यादा के अनुसार उनको समझाया, अपनी बुद्धि जो उनके थी उसके अनुसार समझाया। प्रभु का प्रताप और प्रभु के प्रताप का जो बल है, जो सुयश है, और उसके बारे में पूरा वृतांत उनको वृतांत सुनाया। उसने कहा निशने अनल मिली सुन सुकुमारी कि हे सुकुमारी, हे सुंदर नयन वाली, हे सुंदर तुम सुनो, रात्रि के समय आग यहाँ नहीं मिल सकती है। उसने टाल दिया। वह सीता जी पर अपार प्रेम करती थी, उनको जानती थी, उन रामचंद्र की परम भक्ति थी भक्त थी, और ऐसा कहकर वो अपने तब वह उसने भी अपने इस प्रकार के पसंद करके सीता जी को वहाँ पर स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया और वह भी उनकी पहरेदारी करने से बच गई। और कह सीता विधिभापति को बोला मिल न पाओ कर मिटई न छोला, देखे बगल गगन अंगारा अविन्य आवत एक अंगारा। तब सीता जी मन ही मन कहती हैं कि सीता जी मन ही मन कहने लगी कि क्या करूँ, विधाता की विपरीत गति है, हो यही सो जो विधि रचि राखा को करी तरक बड़ा भी राखा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का ही विधि की यही रचना है, जो विधि की रचना है उसके अनुसार मुझे पूरा बर्दाश्त करना पड़ेगा, सहन करा, न आग मिलेगी। तब वह कहती है न आग मिलेगी न पीड़ा, न मेरी मन के अंतर की पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता है। अनेक प्रकार के भावों को सोच करके सीता मन ही मन दुखी होकर के यह ऐसी इस प्रकार की वातावरण में रह रही हैं कि उनका उनका मन मन से वह मन वचन और कर्म से मात्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति का स्वरूप उनके अंतःकरण है। पावक मई से सुवन न आगे, चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हदभागनी जानकर और आन नहीं बरसाता है, आग भी नहीं बरसाता है। चंद्रमा के पास भी इस प्रकार की शक्ति नहीं है, कोई भी मेरी इस प्रकार रक्षा करने की इस संसार में नहीं है। तो अब सुनई बिनई मम बिटप अशोका, तब वह अशोक वृक्ष सिखाती है। देखिए मर्यादा वस्तु भगवान राम जी की रचना का किस प्रकार से वृतांत है। तब वह अशोक वृक्ष जो उनकी रक्षक है, रक्षक के समान उनके नीचे रहती हैं, मेरी विनती उन्हीं से कहती है आप सुनिए और मेरा सत्य नाम करूँ हर वम शोका, मैं मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। जो आपका अशोक नाम है यानी शोक से रहित जो आपका नाम है, मेरे शोक को हरने का प्रयास कर। तब वह बिताप से दोस्तों हमारे वहाँ हमारे शास्त्रों में, हमारे मर्यादाओं में, हमारी भक्ति में, हमारे सनातन धर्म में इस प्रकार के प्रसंग हैं कि अनेक हम लोग देवी है, देवता हैं, और पत्थर है, मूर्ति है, और नदी है, नाली हैं, अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वृक्ष हैं, इनमें भगवान की आस्था का मानक मानते हैं।
इसी प्रकार सीता जी का, सीता जी ने भी भगवान अशोक वृक्ष को जो है शोक से रहित जो वृक्ष है उसकी उससे अपनी अपने मन की पीड़ा को कह करके अपने दुख को मिटाने का प्रयास किया। नूतन किसलाई अनल स्नाना दे आगे अनित निदाना, तब कहते हैं तेरे नई नई कोमल पत्ते जो आ रहे हैं तो और अग्नि के समान है, और दे आने पर कर ही निदाना और दे अग्नि जनि कर ही निदाना, अग्नि दे विरह रोग का अंत कर मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुँचा। मुझे इतना इतना परिता इतना कठिनाई होगी, इतना विरह में मैं व्याप्त हो गई हूँ और मुझे अब कष्ट सहने की शक्ति नहीं है। देखी परम बल विरह कुल सीता, सीता जी की इस प्रकार की विरह की व्याकुल विरह की व्याकुल विरहता की व्याकुलता को देख करके तब शोषण कपि कल्प सभीता, तब हनुमान जी को वह समय जो है कल्प के समान मिला, यानी बहुत ही लंबा समय जिस प्रकार कल्प का समय होता है, एक कल्प जो है हजारों सालों का होता है, उस प्रकार का बीता। हनुमान जी इस रचना को पूरा देख रहे हैं, तब हनुमान जी ने क्या कहा, कवि करे हृदय विचार दीन मुद्रिका डाल दो। तब हनुमान जी के हृदय में विचार कर, हनुमान जी ने अपने मन वचन और उसमें विचार कर सीता जी के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की निशानी के रूप में, ताकि वह रामचंद्र की अंगूठी को देख करके सीता जी पहचान जाएं कि कोई न कोई ये राम द्वारा भेजी हुई अंगूठी है, इसको कौन लाया है उसकी पहचान करके उनका प्रतीक चिन्ह है, तो अंगूठी को जान मान और जान ली और कपि करे हृदय विचार दीन मुद्रिका डाल। तब भगवान का स्मरण अपने मन में करके हनुमान जी ने अशोक वृक्ष से अपना बड़ा रूप धारण करके अपना उस अंगूठी को सीता जी के ऊपर डाल दिया, और तब श्री उस जन अशोक अंगार दीन हरज उठ गया, यानी दीन दीन मुद्रिका डाले तब करी कर हृदय विचार हरज उठी कर गयूँ जन अशोक अंगार, दीन हरज उठ कर गयूँ का जन अशोक अंगार, यानी तब हनुमान जी के हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी को डाल दी, और मानो अशोक अशोक वृक्ष को जो विनती सीता जी के द्वारा की गई थी उसने अंगारा दे दिया हो, यह समझकर सीता जी ने हर्षित अपार हर्ष का आभास हुआ और उठकर वह उसे हाथ में ले लिया और उन्होंने उस अंगूठी को देख करके हाथ में लिया, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चिन्ह प्रतीक चिन्ह था, उस चिन्ह को जब हनुमान जी ने ऊपर से डाला, अभी हनुमान जी ने अपने दर्शन नहीं दिए हैं। तो आज के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल भोग की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जा पर जाकु सत्य सने तापर ताकु मिलन राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न हो पातधारी सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम तुम कपाल जा पर अनुकूला ताहिने व्यापक त्रिविध भवशूला। इस प्रकार के जो त्रिविध भवशूल हैं दैहिक भौतिक तापा वाले शूल हैं, सीता जी को जिस प्रकार का परेशानी जिस प्रकार का दुख जिस प्रकार की परेशानियाँ उस अशोक वृक्ष के वही अशोक वृक्ष के से सुंदर सी मुद्रिका रामचंद्र जी रूपी राम नाम लिखी हुई अंगूठी उन्होंने पकड़ी तो उनको आभास हुआ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इतनी प्रकार इतनी बड़ी कृपा है, उनके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। और जब हम दोस्तों आज के प्रसंग से हमें यही प्रेरणा मिलती है मन वचन और कर्म से, अगर हम भगवान को के सत्य प्रेमी हैं भक्ति में लीन रहते हैं हमेशा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अगर हम अपने अंतरात्मा से भगवानों का स्मरण करते हैं और स्वच्छ मन से और अनेक प्रकार के संघर्षों से चुनौतियों से परितापों से दुखों में संतप्त होकर के भी हम अपने दुख को अगर परमात्मा का हमारे पर आशीर्वाद होता है, जिस प्रकार हनुमान जी ने अपना छोटा सा रूप धारण करके अशोक वन में जा कर के और सीता जी की खोज करके सीता जी को उस अंगूठी को समर्पित किया, इसी प्रकार मर्यादा भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है। कोई न कोई इस प्रकार की हमारी परीक्षा होती है, उस परीक्षा में अगर हम उस परीक्षा में हम सफल हो जाते हैं तो हमारा जीवन कृतज्ञ हो जाता है, हम जन्म मरण की परितापों से दूर हो जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और हम परम भक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। इस प्रकार राम परिमर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सीता जी की परीक्षा जो परीक्षा का स्थल था, सीता जी उस परीक्षा में पूर्ण रूप से सफल हुई, उसी परीक्षा के
अनुसार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का सुंदर सा स्मरण किया है, सुंदर कक्षा अध्ययन किया है और वही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। सबके मंगल बख्श की कामना के साथ दोस्तों, हमें अपने चरित्र को निष्ठावान और उत्तम चरित्र का निर्माण करना चाहिए। यही हमें आपके आज के प्रसंग से, सुंदरकांड के अध्ययन से और हनुमान जी के विचित्र रूप को और रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अपार आशीर्वाद जिस प्रकार सीता जी को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार हम अनेक प्रकार के भय है, कष्ट है, दुख है, दायित्व है, चुनौतियाँ हैं और संघर्ष हैं, उनसे दूर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। सबको सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।